हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफेंड बाय सीओ में। अगर आप नए हैं तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको मिलता है 9th क्लास से बीएससी फाइनल क्लास तक की केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और केमिस्ट्री को हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं 12th क्लास की, इसके बाद 11th क्लास की और 9th और 10th, तो चार क्लास को हम बहुत अच्छे से पूरा कोर्स कराएंगे। फिलहाल जो हमारा ये लेक्चर है वो है क्लास 12th की केमिस्ट्री पे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 को लेके चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 से हमने स्टार्ट किया था। तो हेलो एल्किन, हेलो एरिन, पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसके लगभग 8 से 10 वीडियो हम बना चुके हैं, तो उसका जो लिंक है आपको ऊपर बेल आइकन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अल्कोहल फिनोल ईथर का इंट्रोडक्शन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, वो 8 से 10 मिनट की वीडियो थी, तो वो पहले आप जरूर देख लें ताकि आपको इसका इंट्रोडक्शन पता लग जाए। आज ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ईथर्स की बात करते हैं, एल्कोहल्स फिनोल की हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ईथर्स जो होता है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड होते हैं दोनों तरफ। अब ये आपका जो ईथर होता है दो तरह का हो सकता है, सिंपल सिमेट्रिक या मिक्स्ड और अनसिमेट्रिक, हिंदी में बोलते हैं सममित और असममित। मतलब जो ऑक्सीजन है उसके दोनों जो बॉन्ड लगे हुए उसमें उस पर जुड़ने वाला जो एल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा, R या AR, वो अगर दोनों तरफ सेम है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल या सममित, और अगर दोनों तरफ डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ C2H5O C2H5, तो ये एक जो ईथर है वो सिमेट्रिकल है क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों ओर का पार्ट सेम है। अगर ये अलग अलग होता तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाता है, या मिक्स्ड ईथर भी उसको बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके इसी में 11.1, एक NCERT में आपका एग्जाम आपका क्वेश्चन है, एनसर्ट क्वेश्चन, तो इसमें 11.1 है। इसमें उसने पूछा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कौन से, उनमें अलग अलग बताइए, उसके साथ में एलाइलिक एल्कोहल्स के बारे में बताइए। तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर लगभग 339-340 के आसपास, हिंदी में है, ऐसे ही आप इंग्लिश में देख सकते। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, CH3C CH3 CH3 CH2 OH। तो यहाँ पे अगर आपको डिग्री देखनी होती तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब जिस कार्बन से ये अटैच है, इस कार्बन पे आपको देखने है कि इससे नेक्स्ट कितने कार्बन इस पे जुड़े हुए। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है आपको पता होनी चाहिए, 4 होती है, 4 में से एक तो OH ने सेटिस्फाई कर लिया, बची 3, 3 में से 2 किसने सेटिस्फाई की, 2 हाइड्रोजन इस पे जुड़े हुए अटैच हैं। तो इसके बाद क्या है, एक कार्बन, इसलिए इस कार्बन को, इस कंपाउंड को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, या हिंदी में बोलते हैं इसको प्राथमिक एल्कोहल। तो जहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन से नेक्स्ट डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच होते हैं, इसके बेसिक पे आप बताते हो कि वो कितने डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये कितने डिग्री हो गया आपका, 1 डिग्री, बिकॉज द OH ग्रुप अटैच दैट कार्बन विच अटैच टू हाइड्रोजन एटम एंड नेक्स्ट 1 कार्बन एटम। तो यहाँ पे आपका ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। दूसरे वाले में बात करते हैं, इस वाले में जो OH है इसमें भी यही केस है कि जो CH2 है, H2 है, तो 2 तो यही H आ गए, 1 OH आ गया, 3, और इससे नेक्स्ट सिर्फ ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका कितने डिग्री हो गया, 1 डिग्री। अब बात करते हैं कि एलाइलिक है या विनाइलिक है। तो एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक किसको बोलते हैं और विनाइलिक किसको बोलते हैं। एलाइलिक के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ऐसे कार्बन से जुड़ता है जो sp3 हाइब्रिड हो, जिस पे जो संकरण है वो sp3 हो, उससे अगला जो कार्बन है वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, मतलब उससे अगले वाला sp2। एलाइलिक के अंदर पहला कार्बन जो होगा जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वो होना चाहिए sp3, और उससे अगले वाला कार्बन sp2 होना चाहिए। देखते हैं इसके अंदर, ऐसे ही OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है जो कि क्या है, sp3 हाइब्रिड है, क्योंकि इस पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इससे अगले वाला कार्बन जो है वो क्या है, sp2 हाइब्रिड है, sp2 का संकरण। तो ये आपका कौन सा हुआ, एलाइलिक। तो ये आपका एलाइलिक है, हिंदी में बोलते हैं इसको एलिलिक, तो ये एलिलिक एल्कोहल या एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी ये बात है, ये भी आपका क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे sp3 कार्बन है, इस वजह से एलाइलिक नहीं है। विनाइलिक में क्या होता है, विनाइलिक में डायरेक्टली जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ऐसे कार्बन से जुड़ता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज हो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 की, इसमें जो OH ग्रुप है किस कार्बन से, इस वाले कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन पे अगर आप देखोगे तो एक तो बेंजीन रिंग का कार्बन अटैच है और दूसरा इधर CH3 मिथाइल ग्रुप आपका अटैच है, तो इस पे 2 कार्बन अटैच है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, तो सेकेंडरी बोल सकते हैं या 2 डिग्री बोल सकते हैं, हिंदी में इसको द्वितीयक भी बोलते हैं, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट बात कर तो हम बात कर रहे थे इसमें कौन सा वाला, ये 2 डिग्री होगी। इसके बाद इस वाले की बात करते हैं, यहाँ पे OH देखेंगे, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन पे एक कार्बन ये अटैच है, ये डायरेक्टली ये अटैच है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। इसकी बात करते हैं इस वाले कार्बन की, इस वाले में ये वाला कार्बन देखेंगे जिससे OH ग्रुप अटैच है, तो डायरेक्ट वही देखना है कि जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, डायरेक्टली
ठीक है, तो इस OH से अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे एक CH3 है, एक CH3 है और एक ये CH, तो इसके कितने कार्बन हो गए, तीन। तो इस वजह से कितना हो गया, 3 डिग्री या टर्शियरी या तृतीयक इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इसको देखना चाहोगे तो यहाँ पे इससे अगले वाला कार्बन क्या है, ये वाला SP3 जिससे OH जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका एलाइल के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें भी यही केस है कि पहले वाला SP3 है उसके बाद वाला SP2 है। एल्कोहल, तो एल्कोहल की IUPAC लिखने में क्या करना है आपको, कि जो एल्केन, एल्कीन या एल्काइन होगा, एल्क का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके ई को हटा के उसकी जगह OL आपको जोड़ देना है। सिंपल, जैसे मान लो कोई एल्केन है अगर, तो उसमें क्या करोगे, ई हटा दोगे, उसकी जगह क्या जोड़ दोगे आप, OL, तो ये आपको हो जाएगा एल्केनोल। अब यहाँ पे आपका ये एन भी हो सकता है, ईन भी हो सकता है और वाई एन भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। ALK का मतलब कितने उसमें कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथ होगा, दो कार्बन एथ है, तीन है तो प्रोप होगा, इस तरीके से। तो यहाँ तो कुछ एग्जांपल हमने लिए हुए, जैसे सबसे पहले हमारे पास है CH3OH, तो IUPAC की बात करें सिंपल लेन में एल्काइल एल्कोहल हो जाएगा सिंपल, तो CH3OH, CH3 का नाम मिथाइल, OH का नाम एल्कोहल, तो अगर सिंपल लेन की बात करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। IUPAC की बात करते हैं तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे, ALK ALCOHOL में सिंगल बॉन्ड ALK की वजह से कार्बन एक है, और क्या हो जाएगा METH, एक कार्बन है तो उसकी वजह से मेथ, वो सिंगल बॉन्ड है उसकी वजह से एन, और OH उसकी वजह से ओल, तो ये हो गया इसका नाम मिथेनोल। ऐसे दो कार्बन होंगे तो इथेनोल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनोल, चार कार्बन है तो ब्यूटेनोल हो जाएगा। नेक्स्ट इस वाले की बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाना है कि OH जो है वो कॉर्नर पे नहीं है, तो यहाँ पे नंबर देंगे किसी भी साइड से 1, 2 और 3। अब तीन कार्बन है तो तीन कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा, प्रो, कार्बन तीन है उसकी वजह से प्रो, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है एन। लेकिन अब जो ओल आप लिखोगे उसका नंबर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो OH ग्रुप है वो पहले कार्बन पे जुड़ा होता हुआ, तो अगर वो पहले कार्बन पे जुड़ा होता है तो आप 1 लिख भी सकते हो नहीं भी, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो ये दूसरे नंबर पे है तो इसलिए 2 लिखेंगे, उसके बाद में ओल OH के लिए 1 है तो ओल लिख लेंगे, 2 होते तो डाईओल, 3 होंगे तो ट्राईओल, इस तरीके से भी लिखते हैं। इस वाले की बात करते हैं, यहाँ से नंबर देंगे 1, 2 और 3, यहाँ पे एक साइड चेन छूट जाएगी, तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, साइड चेन कौन से नंबर पे, दूसरे पे, तो दूसरे पे एक कार्बन है तो एक कार्बन की साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, एल्काइल होता है तो मिथाइल, दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसके बाद टोटल कार्बन कितने आपके पास हुई, 3 है तो प्रो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद में नंबर एक पे OH ग्रुप है तो ओल, 1 ओल भी लिख सकते हैं या ओल भी लिख सकते हैं। इस वाले की बात करते हैं, नंबर देंगे कहां से, इस वाले की बात करते हैं, इसमें नंबर देंगे इधर से इधर से नंबर दे सकते हैं, कॉर्नर से 1, 2 और 3, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ भी छूट गया है दूसरे नंबर पे, तो वही लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल, और कितने कार्बन हो गए, 3, तो इसका भी नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल, 2 ओल भी लिखा है, दूसरे वाले को वैसे नंबर कहाँ से दे सकते हैं, किसी कॉर्नर से देना, और कॉर्नर से देते हुए एक ही लाइन में चलना है, चाहे आप इधर चलो चाहे इधर चलो, एक CH3 यहाँ पे छुप जाएगा, जो छुप जाएगा उसको साइड चेन बोलते हैं, उसका नंबर सबसे पहले लिखते हैं। निकले वाले की बात करते हैं, इधर से नंबर दो 1, 2, 3, तो तीन कार्बन है पहले तो क्या लिख देंगे, प्रो, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, AN, ई तो हटाते हैं, और उसके बाद में अब यहाँ पे 1 पे भी 2 पे भी और 3 पे, तीनों पे सेम है OH, तो उसका नाम क्या है, ओल, लेकिन 3 हो गए इसके वजह से यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्राई, 2 के लिए डाई, ठीक है, और उसके बाद में ओल, ये आपका IUPAC नाम है आपका। कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, CYCLO, साइक्लो, हिंदी में लिख सकते हैं साइक्लो, साइक्लो, उसके बाद में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्सेन, ई हटा के उसकी जगह ओल, दो ही जैसे हेक्सेनोल होता अगर सिंपल ये ओपन चेन में होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये क्लोज में है, तो इसकी वजह से साइक्लो लिखेंगे, CYCLO साइक्लो, ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 और उसके बाद भी कौन से पे जुड़ा हुआ है, दूसरे पे OH क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है, तो वो पे क्या लगा आपका, मेथिल, हिंदी में लिखता हूँ इस वाले का ना, वरना हिंदी वाले कह देंगे हिंदी में लिखा, इंग्लिश इंग्लिश में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन IUPAC आपको इंग्लिश में लिखनी चाहिए, 2 पे मेथिल है, उसके बाद में क्या है, साइक्लो, 2 मेथिल साइक्लो, 5 कार्बन है इसमें, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 के लिए क्या आएगा, पेन, टे,
पेंटेन आता है उसमें क्या जोड़ देंगे ओल, तो पेंटेनोल, टू मेथिल या टू मिथाइल साइक्लो पेंटेनोल इसका नाम हो जाएगा। इनकी बात करते हैं ये क्या होते हैं, इसका नाम फिनोल है, पी एच ई एन ओ एल, ठीक है फिनोल, सिंपल नेम भी कॉमन नेम भी। इसका नाम अगर हम ये वाली जो पोजिशन होती है कौन सी होती है, ये दोनों ओर्थो होती है, ये आपकी मैटर, ये पैरा बताया था, इसमें याद करते हैं सोटने के लिए ओम पुरी है ना, तो ये आपका ओ और ये पुरी, ओम पुरी, सिंपल याद करने के लिए ओम पुरी है ना, ऑर्थोमेटा पैरा, ऐसे ये भी ऑर्थोमेटा पैरा, तो सिंपल नेम में इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। अगर फिनोल ग्रुप है, फिनोल पे क्या एक सी एस थ्री ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको क्रिसोल बोलते हैं। अब वो सी एस थ्री आपका अगर ऑर्थो पोजिशन पे तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पे है तो मेटा क्रिसोल और पैरा पे है तो पैरा क्रिसोल, लेकिन ये सिंपल नेम है। आईयूपीएसी नेम में क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर में जुड़ा हुआ तो टू मेथिल और उसके बाद में इसका नाम क्या है फिनोल, तो टू मेथिल फिनोल, टू मिथाइल फिनोल इसका नाम हो जाएगा। इस वाले की बात करते हैं इसे कैटिकोल बोलते हैं, उसके बाद उसके बाद इसको क्विनोल बोलते हैं जिसमें ओ एच बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, वन इसका अगर आई पी से लिखें वन टू थ्री एंड फोर तो नाम हो जाएगा बेस का, पहले बेंजीन है, बेंजीन वन फोर डाई ओल, ऐसे इसका नाम हो जाएगा बेंजीन वन टू डाई ओल, लेकिन इसका सिंपल नाम होता है कैटिकोल, इसका नाम होता है क्विनोल। ऐसे रिसोर्सिनोल भी होता है जिसमें ये पैरा पोजिशन पे ओ एच ग्रुप होते हैं। तो ये आईयूपीएसी थे आपके, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया। अब हम ईथर के आईयूपीएसी पढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं आईयूपीएसी ऑफ ईथर्स, तो ईथर्स की आईयूपीएसी आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो ऑक्सीजन होगा इधर आपका आर हो गया, इधर आर हो गया, ए आर भी हो सकता है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसका जो आईयूपीएसी होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्कोक्सी एल्केन, एल का मतलब आपको बताइए नंबर टू कार्बन एटम, तो इसमें एक तरफ का एल्कोक्सी बनाओगे एक तरफ का एल्केन बनाओगे। अब बात आते हैं किस तरफ का एल्कोक्सी बनाओगे किस तरफ का एल्केन बनाओगे, तो जो छोटा ग्रुप होगा उसका एल्कोक्सी बनाओगे, जो बड़ा ग्रुप होगा उसका एल्केन बनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा, जैसे सबसे पहले यहाँ पे और सिंपल नेम में क्या करते हैं, सिंपल नेम में डाई एल्काइल ईथर, मतलब एल्काइल ईथर की तरह इसको लिखा जाता है। जैसे पहले वाले की बात करें सी एस थ्री तो दोनों के दोनों सी एस थ्री है, जिनका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर, ऐसे डाई मिथाइल डाई इथाइल ईथर इस तरह से, या इथाइल मिथाइल ईथर, इस तरह के सिंपल नेम होते हैं। आगे जैसी बात करते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी तरफ का एल्कोक्सी बना सकते हैं, ठीक है, इधर का भी बना सकते हैं इधर का बना सकते हैं। तो एल्कोक्सी में एल कितने, यहाँ पे मान लो आपने इसका बना देते हैं, इसका नाम हो जाएगा एक कार्बन है तो मिथोक्सी, एम ई टी एच और ओ एक्स वाई, ये आपने बना दिया जाएगा मिथोक्सी, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, और दूसरी तरफ का एक कार्बन है तो मिथेन, इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी मिथेन। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसमें इधर तीन कार्बन इधर एक कार्बन है, तो जो छोटा कार्बन होगा छोटा ऑक्सीजन की साइड का दूसरा छोटा भाग उसका बनाएंगे एल्कोक्सी, तो ये फिर से क्या जाएगा मिथोक्सी, एम ई टी एच ई मिथोक्सी, ठीक है मिथोक्सी हो गया, और ये कितने हो जाएंगे तीन कार्बन है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं वन, वन पे मिथोक्सी लगा हुआ है, वन टू थ्री और तीन हो गए, तो तीन कार्बन इसमें प्रो और सिंगल बॉन्ड ए एन ई, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो छोटा ग्रुप होगा उसका एल्कोक्सी बनाएंगे, दूसरी तरफ का एल्केन बना देंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या एक तरफ छह कार्बन एक तरफ एक कार्बन है, तो इसका बनाएंगे यहाँ पे भी, ये क्या हो जाएगा मिथोक्सी मिथोक्सी, और दूसरी तरफ जो सी एस थ्री सी सी सेक्स है उसको बोल देंगे बेंजीन, ये इस तरीके से है, ये तो बेंजीन होगा, और इसके अगर आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया ओ सी एस थ्री तो इसका नाम क्या है मिथोक्सी, ये क्या था बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी बेंजीन। ऐसे इस वाले में यहाँ से दो कार्बन है और दो छह कार्बन है तो बेंजीन, और इस वाले को क्या बना देंगे आप एल्कोक्सी, तो दो कार्बन है तो इथोक्सी कहलाएगा, तो इसको बोल देंगे इथोक्सी बेंजीन, इथोक्सी बेंजीन। इस वाले की बात करते हैं, यहाँ पे एक साइड तो सी सिक्स है छह कार्बन है, लेकिन दूसरी साइड कितने कार्बन है, यहाँ पे देखने की बात है सी एच टू का होल सिक्स सी एच थ्री, ठीक है, तो छह और एक सात कार्बन, एक तरफ सात कार्बन एक तरफ छह कार्बन, तो सात कार्बन का एल्केन बनाएंगे और छह कार्बन का क्या बनाएंगे एल्कोक्सी, तो सी सिक्स एच फाइव ओ इसको क्या बोला जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है बेंजीन है और ये क्या है फिनाइल है, और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दें तो क्या है फिनोक्सी बोला जाएगा इसको यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा इधर का पूरे कचने का फिनोक्सी, पी एच ई एन ओ एक्स वाई फिनोक्सी, और इधर कितने कार्बन है आपके सात कार्बन है, तो सात कार्बन के लिए क्या आएगा एच ई पी टी हेप्ट, उसमें क्या जोड़ देंगे एन हेप्टे, ये आपका नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप बात करो तो नंबर देना पड़ेगा वन टू
तो दूसरे वाले कार्बन पे आपका CH3O जुड़ा हुआ है, तो दूसरे वाले पे क्या CH3O को क्या बनाएंगे आप, एल्कोक्सी बनाएंगे, तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा टू पे मेथोक्सी, टू पे क्या हो जाएगा मेथोक्सी, और ये कितने कार्बन है टोटल तीन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, टू मेथोक्सी प्रोपेन। इस बारे में बात करते हैं, अब देखो ये सी सिक्स है, इधर छह कार्बन, उधर कितने कार्बन टोटल पांच कार्बन, और पांच वाला कार्बन जो है इसको क्या बनाएंगे एल्कोक्सी, लेकिन इसको एल्कोक्सी डायरेक्ट नहीं बना सकते हम, ठीक है, इसमें क्या है चार कार्बन सीधे और एक कार्बन नीचे आया हुआ, तो यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4, तो चार ब्यूटोक्सी है वो चार कार्बन, लेकिन दूसरा जो आपका तीन पे साइड चेन छुटा हुआ है उसका नाम क्या हो जाएगा अलग से लिखना पड़ेगा, तो थ्री मेथिल, तीसरे पे क्या लगा है मिथाइल ग्रुप लगा है, तो थ्री मिथाइल, और इसका टोटल क्या हो गया ब्यूटोक्सी, ब्यूटोक्सी चार कार्बन से ब्यूटोक्सी, लेकिन तीसरे वाले पे सी एस टी लगा हुआ, उसको आप पेंटोक्सी नहीं बोल सकते क्योंकि पांच कार्बन सेम होने चाहिए थे सिंपल चेन में, और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका बेंजीन, यहाँ पे ये वाला आप बना दोगे तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन, ठीक इस तरीके से। इस वाले की बात करते हैं, यहाँ पे ये वाला भी मिथोक्सी और ये वाला मिथोक्सी, तो नंबर देंगे 1, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 डाइमिथोक्सी, यहाँ पे दोनों तरफ लगा हुए डाइमिथोक्सी और दो कार्बन है तो इथेन, ई टी एच ए एन, दो दो तरफ लगे हुए थे तो ओ सी एस टी का नाम क्या हो गया मिथोक्सी। अब इस वाले की बात करें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको छोड़ दो ना, जो इस पे साइड चेन लगे हुए ना छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा छह कार्बन का चक्रीय यौगिक है, साइक्लिक कंपाउंड है छह कार्बन का, तो छह कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन है तो क्या हो जाएगा साइक्लो, छह कार्बन की वजह से हेक्सेन, तो इसका नाम क्या है पहले साइक्लो हेक्सेन, लास्ट में लिख देते हैं CYCLO साइक्लो हेक्सेन। अब इसमें नंबर देना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल और 2 पे क्या लगा हुआ है इथोक्सी, मिथाइल इथोक्सी में कौन पहले आएगा एम आएगा या ई आएगा, अल्फाबेटिकल देखेंगे तो ई पहले आता है, इस वजह से लिखेंगे 2, 2 पे क्या लगा है इथोक्सी, दो कार्बन का एथोक्सी, और वन पे क्या लगा है वन दो बार लिखेंगे CH3CH3 के लिए वन वन डाई मिथाइल, दोबारा नाम देखो इसका 1, 1 डाई मिथाइल, 2 पे एथोक्सी है और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, तो ये इसका नाम था IUPAC नाम हो ईथर्स। तो ये हमने आज क्या सीखा, हमने ईथर्स के बारे में बात की थी, ईथर्स कैसे होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं और आपका अनसिमेट्रिकल होते हैं, दोनों तरफ का पार्ट सेम है तो सिमेट्रिकल सममित, और अगर अलग अलग है तो अनसिमेट्रिकल या असममित। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने IUPAC पढ़ी एल्कोहल्स की, उसके बाद ईथर्स की IUPAC पढ़ी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपकी जो केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल जाए और आप 90+ केमिस्ट्री में मार्क्स लेके आए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना जिन्हें केमिस्ट्री में दिक्कत है। मेरी जो अपनी एक इच्छा है कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो ट्यूशन जाते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर दें। थैंक यू।